नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। और आज की इस क्लास में बात करेंगे DRDO MTS 2020 में सेप्टम टीयर वन ऑनलाइन एग्जाम में। जानिए आज आप इस विषय में कैसे पूरे अंक ला सकते हैं, कैसे आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, आज हम इसी संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि BSA के साथ होगा DRDO पार, तो बस हो जाइए बिल्कुल तैयार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आया हूं और देखते हैं यहां पर कौन सारे क्वेश्चन सही कर पाता है। क्या आप इस वीडियो में दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सही कर पाएंगे, जानने के लिए बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और साथ में कमेंट के थ्रू बताएगा कि आज आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं लगा। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ना लगे तो अभी आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लें तो ये बहुत अच्छी बात होगी, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। तो बस आप लोग वीडियो को लास्ट में बताएगा कैसे लगी वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट लगी हो, और अगर आपसे सारे क्वेश्चन लग जाते हैं तो भी आप कमेंट के माध्यम से बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करिए और आपके पास होंगे केवल 15 सेकेंड। चलिए ट्राई करिए। आप सभी को लुप्त अंक ज्ञात करना है। बहुत ही उम्दा जवाब। अगर आपका आंसर यहाँ से 113 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। 103, 25, 27, 29 ऐसे ही देख सकते हैं, 7, 29, 211, 213। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 113। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो इसको कंप्लीट करे सीरीज को। आपके पास है 15 सेकेंड, ट्राई करिए। तो बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यहाँ से ए होगा, बी, सी या फिर डी। आपको यहाँ पर दे रखा है जैसे कि डी एफ आई एम आर। चलिए तो आपको बता दें डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो देखिए पहले दो स्टेप आगे बढ़े, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब की बार 6 स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आर कर क्या गया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होगा आपका यहाँ से एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा, एक्स हो जाएगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। अब आपको दिया गया जैसे कि डायरी, कागज, कलम और कॉपी, ठीक है। आपके पास है केवल 10 सेकेंड, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, सही जवाब होगा आपका पेन होगा, क्योंकि डायरी हो, कागज हो, कॉपी हो, इन सभी पर लिखते हैं, लिखा पेन से जाता है, पेन से हम तीनों पर लिख सकते हैं। ये तीनों लिखने वाली चीज़ें और ये हमारा जो यहाँ से इससे लिखते हैं, इन तीनों पर लिखा जाता है। लिखते किससे, पेन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर्स पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन ए 28,000, 30, 27,000, 40, 64,000 एंड 50, 25,000। आपके पास है केवल 10 सेकेंड। ओके, चलिए गिवन टाइम में आप लोग बताएं इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। बिल्कुल आपने सही बताया, अगर आपका आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। 20 का क्यूब होता है 8,000, 30 का क्यूब 27,000, 40 का क्यूब 64,000, बट 50 का क्यूब होता है 125,000। बट इसमें जो है रॉन्ग दिया गया है, डी वाला आंसर आपका जो है अलग और गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन है एच आई जी, एल एम के, एस टी आर एंड डब्ल्यू एक्स जेड। आपके पास है 10 सेकेंड। चलिए लेट्स ट्राई अगेन, फिर से इसको कोशिश कीजिए लगाने की, देखते हैं कौन बताएगा सही जवाब क्या हो सकता है इसका। ओके, टाइम अप। तो आपको बता दें जी एच आई के एल एम आर एस टी, बट जेड ए बी होना चाहिए, तो ये गलत दे रखा है, तो डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया आपका, लॉजिक आपका ये चल रहा है ए बी सी।
तो ए बी सी ये लॉजिक चल रहा है आपका, जैसे कि जी एच आई ये लॉजिक आपका चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप्स अमंग द गिवन क्लासेस। ऑप्शन है लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए लैंग्वेज में आपका जो है हिंदी एंड इंग्लिश आता है, ये लैंग्वेज का ब्लॉक हो गया, ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इट्स अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई अगेन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। डॉक्टर, हॉस्पिटल, लॉयर कहाँ मिलेगा? आपके पास है केवल 5 सेकेंड। मैं जानता हूँ कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम हमें आपको देना है। ओके, टाइम अप। सेवेंथ क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका, यहाँ से ऑप्शन बी आएगा, कोर्ट। जैसे आपका हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलेंगे वैसे कोर्ट में आपको लॉयर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज चलिए बताइए, आपके पास होंगे केवल 15 सेकेंड। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपका क्वेश्चन है 206 से आता है 193, 309 से आपका क्या होगा, नेक्स्ट सीरीज का वर्ड बताइए क्या होगा आपका। चलिए देखते हैं कौन बताए कौन सा नंबर आपका इसके नेक्स्ट आएगा। ओके, टाइम अप। 206 में अगर आप लोग 13 को माइनस करेंगे तो आपका जो है 193 आएगा, 309 में अगर 13 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 296। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 296, इट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। एफ ओ जी, फॉक को लिखते हैं जी एम जे, रैप को क्या लिखेंगे, आपके पास है 15 सेकेंड। चलिए ट्राई कीजिए, आपको बताना कि कौन सा यहाँ पर जो है लेटर नेक्स्ट स्टेप पर आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई नो, मैं जानता हूँ कि आप लोग बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। ओके, टाइम अप। लॉजिक आपका यह है कि एफ जी, पहले एक स्टेप आगे बढ़ना है, एम एन ओ दो स्टेप पीछे जाना है, जी एच आई जे तीन स्टेप आगे बढ़ना है, प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री। आर से क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ई से दो पीछे जाएंगे तो आपका सी आ जाएगा, और पी से तीन स्टेप आगे बढ़ेंगे तो पी क्यू आर एस एस आ जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड एंड परफेक्ट आंसर। आज पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा और चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आज आप लोग सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिट ने टोमा मीन्स मैंगोज येलो, ने हो टैप मीन्स येलो एंड रेड, एंड हो टोमा का मीन्स सन इज रेड। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मैंगो इन डैट लैंग्वेज। कहने का मतलब है कौन सा जो है हमारे यहाँ से शब्द मैंगो को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं कौन बताएगा यहाँ से क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए टोमा आपका यहाँ पर दे रखा है, टोमा, और कहीं टोमा दे रखा है आपको, लेटो, और एक आपका टोमा यहाँ दे रखा है, यहाँ पर भी टोमा है, मैंगो इज येलो सन इज रेड। तो मतलब इसका तो मतलब एज हो गया, टोमा का मतलब क्या हो गया, एज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ने हमारा यहाँ पर भी दे रखा है, ने यहाँ भी दे रखा है, मैंगो येलो दे रखा है, येलो एंड रेड दे रखा है, ठीक है ना। तो यानी कि आप लोग समझ गए, यहाँ पर है मैंगो येलो और यहाँ पर येलो, तो ने का मतलब क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ने का मतलब येलो, ने का मतलब येलो, ठीक है ना। अब आपको क्या था ना मैंगो, तो मैंगो की वैल्यू आ गई ना आपकी, मैंगो का मतलब क्या होगा, बिट होगा, तो बिट कोड किसका, ये मैंगो का मतलब इसका है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताने करेक्ट वेन डायग्राम कौन सा होगा। आपके पास केवल 15 सेकंड होंगे, फीमेल, लेबर एंड मैनेजर, इनके लिए कौन सा वाला वेन डायग्राम बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। चलिए ट्राई कीजिए, ओके, या वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने सर। यहाँ से 11th क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी वाला, क्योंकि महिला आपकी मजदूर भी हो सकती है और प्रबंधक भी हो सकती है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकती। मजदूर प्रबंधक क्या एक साथ हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो कोई महिला या तो प्रबंधक हो जाए या आपकी मजदूर हो जाए। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई अगेन, अब आपको क्या बताना, देख सकते हैं आप लोग, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपके पास होंगे 15 सेकेंड, ट्राई कीजिए, 35 से आ रहा है 25, 100 से अगला स्टेप क्या होगा ये आज आप सभी को बताना है।
तो चलिए ट्राई कीजिए। ओके, देखिए ये होता है आपका 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का होता है 25, 10 का होता है 100, तो 9 का क्या होगा 81 हो जाएगा। यानी कि अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा, वेरी गुड। तो जिसका भी आंसर यहाँ से डी आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड एंड करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको दिया गया है बैंड को लिखते हैं DCPF, फ्यूजी को क्या लिखेंगे, चलिए ट्राई कीजिए। आपके पास है फिर से 15 सेकेंड, ट्राई कीजिए। ओके, BCD, ABC, NOP, DEF। आपने देखा और जाना कि यहाँ पर केवल दो दो स्टेप आगे बढ़ना है, बस सिर्फ दो स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो फ्यूजी में दो स्टेप आगे बढ़ने तुम्हारे क्या आ जाएगा, HWUA आएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई अगेन, फिर से ट्राई कीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ठीक है ना, इनको छोड़कर, एंड ईच पार्ट इज रिजर्व, व्हाट विल बी द 18th लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट। आपके पास होंगे 20 क्वेश्चन इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए। अगर हम यहाँ पर ए और जेड को हटा दें और चार चार के पेयर बना के लिखें, चार पेयर बनाएं, तो कितना हो जाएगा, 24 के लेटर्स आएंगे। तो BCDEFG HIJKLM NOPQRS और TUW और TUVWXY, तो इनको जो है रिवर्स करना है, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें यहाँ से बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। अब मैं आपको बता दूँ क्या करना है, मतलब ए और जेड को छोड़ देना है, बी से लेकर बाई तक लिखना है और चार पेयर बनाने केवल, तो 6 लेटर आ जाएंगे बीच में, जैसे BCDEFG, ये हो गया ऐसे HIJKLM, ठीक है ना, ऐसे हो गया। फिर हमारा एन से लेकर बनेगा। अब इसमें रिवर्स कर देना, जैसे कि जी आएगा, एफ आ जाएगा, ई आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है ना, GFED CV आ जाएगा, समझ गए आप लोग। फिर इसको रिवर्स कर देंगे आप लोग, पहले M आएगा, फिर L, फिर K, फिर J, फिर I, फिर H। इस तरीके से आपको निकालना कि बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। तो इसके बाद मेरा क्या आएगा, NOPQR, S, 6 आ गए। अब इसको उल्टा कर देंगे आप लोग, आ जाएगा यहाँ से आपका SRQPON। तो 18वां क्या जाए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18वें पर मेरा एन आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ से एन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई, आपके पास होंगे 25 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:8, इफ आफ्टर 8 ईयर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 2:3, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ ए। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, देखिए ए और बी के प्रेजेंट टाइम की एज आपको दे रखी है 5:8, ये ए और बी है, और ये पी फॉर प्रेजेंट टाइम के लिए, लेकिन 8 साल के बाद क्या हो रहा है, इनका अनुपात हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो 5, 3, 8 और 2 और 1, 3, यहाँ पर अंतर आपका कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। अब मैं कुछ आपको बातें समझाना चाहूँगा, अगर यहाँ पर 3 का अंतर है तो यहाँ पर भी 3 का अंतर कर लेंगे। तो 3 × 6, 3 × 9, अब सही 6 × 3 9, 5 × 3 8, ठीक है। अब 6 में से चाहे 5 घटाइए, चाहे 9 में से 8 घटाइए, तो आपका 1 बचेगा। x बराबर टाइम का अंतर कितना है, 8 सालों का है, 8 आ गया। आपको एक ही वर्तमान आयु बतानी है, तो 8×5=40, ये एक ही हो गई, 8×2=64, ये बी की हो गई। तो आपका 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 40 वर्ष आयु आएगी ए की। ओके, तो द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई कीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन आपको दिया गया और ये 2 निष्कर्ष हैं, ऐसे में आपके पास केवल 20 सेकंड होंगे, क्या आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। जानने के लिए बिल्कुल क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। सभी पुस्तकें मोटी हैं, कुछ मोटे सफ़ेद हैं, ये निष्कर्ष है, और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
ओके समय समाप्त। अब आपको बता दें यहाँ से, ये आपको ए दे रखा है, ये आपका आई दे रखा है, और ए आई का कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता है। ऐसे में ना तो आपका पहला सही हो जाएगा, कुछ पुस्तकें सफ़ेद हैं, पुस्तकें आपकी ये हैं सफ़ेद, ये हैं नहीं बन सकता, और कुछ पुस्तकें सफ़ेद नहीं हैं। ऐसे में अगर आपका जी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी में होता तो आपका लग सकता था, बट यहाँ पर ऑप्शन पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी है, तो आप लोग कह सकते हैं ना तो मेरा पहला ऑप्शन सही होगा ना ही मेरा सेकंड आंसर राइट होगा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को और बताइएगा कि सही जवाब क्या हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, देख सकते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कॉम्ब इज रिटन एज टी क्यू पी एफ, हाउ इज गॉट रिटन इन डैट कोड लैंग्वेज। आपके ऑप्शन है एच क्यू डी एक्स, एच क्यू सी एक्स, एच क्यू डी वाई एंड एच आर डी एक्स। आपके पास है केवल 20 सेकेंड, चलिए ट्राई करिए और बताइए क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए टेल मी, तो आपको यहाँ पर बता दें, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं आप लोग, सी ओ एम बी की अगर हम बात करेंगे तो आपको केवल यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ना है, दो स्टेप आगे बढ़ना है, तीन स्टेप आगे बढ़ना है, और आपको केवल चार स्टेप आगे बढ़ना है। तो गॉट में भी आप लोग एक दो तीन चार स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपका सीधे आ जाएगा यहाँ से एच क्यू डी एक्स। ओके, तो अगर 19 क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ से आ रहा है, ए आ रहा है, एच क्यू डी एक्स बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। तो जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट होगा, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपका 20 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज HIM इज रिटन एज 60 एंड HER इज रिटन एज 62, हाउ इज HIS रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। चलिए आप लोग बताइए 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास है केवल 15 सेकेंड, चलिए इसको ट्राई कीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं, समय हुआ समाप्त। चलिए अब आप लोग देख सकते हैं, एच हमारी वैल्यू होती है 8 नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे, और एम आता है 13 पर। तो 9, 8 और 13 जोड़ेंगे आपका 30 आएगा, और 30 का डबल होता है 60, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर क्या करना है, इन सारी वैल्यू को जोड़ना है प्लेस वैल्यू को, और प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। एच मेरा आता है 8 नंबर पे, आई मेरा आता है यहाँ पर 9 नंबर पे आता है, और एस मेरा जो आता है वो आता है 19 नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है, 19 पर आता है, जोड़ेंगे 9, 9, 18, 28, 8, 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 दूनी 72, तो आपका सही जवाब होगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ इज द गिवन लेटर सीरियल शैल कंप्लीट इट। आपके यहाँ पर सीरीज रखिए, आई सी ई, जे डी एफ, के ई जी, एल एफ एच। अगला स्टेप क्या होगा, आपके पास है यहाँ पर 15 सेकेंड का टाइम, चलिए इसको करिए ट्राई। बिल्कुल यहाँ पर लॉजिक बहुत सिंपल है, केवल आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, आई जे के एल एम सी डी ई एफ जी ई एफ जी एच आई। सही जवाब होगा एम जी आई, इट्स अ करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन पैटर्न्स विच वन नंबर मिसिंग, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस अल्टरनेटिव्स। तो चलिए बताइए, इसको समझिए, देखिए, और आपके पास केवल 20 सेकंड होंगे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलिए ट्राई कीजिए। ओके, समय हुआ समाप्त। अब आपको बताएंगे क्या होगा तरीका, 2 और 2 4 होते हैं, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 बचेगा, और 4 और 1 हमारा 5 हो जाएगा, 3 और 3 जोड़ेंगे 6 होते हैं, और 3 को 3 से आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका 1 बचेगा, जोड़ देंगे 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 और 6 हमारे यहाँ पर 6 3 9 होते हैं, और 6 और 3 को आपस में डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 2 जोड़ देंगे 9 2 11 हो जाएगा,
25 और 5 हमारे 30 होते हैं, और इनको 5 को 25 इसमें डिवाइड करेंगे, 25 5 बचेगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 35। तो अगर आपका आंसर भी यहाँ से 35 आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ट्राई करिए, आपको क्या दिया गया है। अ नेशनल लीडर वॉज बॉर्न ऑन 29th February, ही विल हैव हिज बर्थडे इन 2 years, 3 years, 4th years, या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। आपके पास होंगे ओनली 10 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। ओके, सही जवाब होगा हमारे यहाँ से 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, 4 साल। ओके, 4 ईयर्स, देखिए 29 फरवरी हर 4 साल में एक बार पड़ता है, ये लीप ईयर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। सोहन वॉक्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 50 किलोमीटर्स, आफ्टर दैट द वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक 50 किलोमीटर मोर, हाउ फार इन किलोमीटर्स इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजिशन। आपके ऑप्शन है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर। चलिए आपके पास होंगे केवल 20 सेकेंड इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, और बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। समय हुआ समाप्त, अगर आपका आंसर भी आ रहा है 20 किलोमीटर, बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट आंसर होगा 20। कैसे आएगा देखिए, सबसे पहले वो दक्षिण में जाता है, 30 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 50 घूमता है, 50 घूमने के बाद फिर वह उत्तर दिशा में जो है 10 जाता है, सिर्फ 10 जाता है, 10, फिर वह मुड़ जाता है हमारे यहाँ से, 50 घूमता है फिर से। अगर ये 10 है, ये टोटल 30 था, ये हमारा इतना इतना 10 है, तो बचा कितना, 20 बचेगा ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो 50-50 दे रखा, बराबर बराबर है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई कीजिए। इफ ऑल वॉवल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स, देन वॉट विल कम एट द 15th place इन द न्यू अल्फाबेट सीरीज। आपके पास है ओनली 15 सेकेंड, आपके ऑप्शन है लेटर ओ, लेटर आर, लेटर एस एंड लेटर टी। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए आपको बता दें, अगर सारे वॉवल हटा देते हैं, सपोज दैट ए ई आई ओ यू हटा देंगे, 25 क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो किस तरीके सीरीज बनेगी। देखिए आप लोग जैसे कि जानते हैं, आपका ए ई आई ओ तक तो हट जाएगा, यू बहुत आगे पड़ेगा, तो ये 4 अक्षर मेरे करीब हट जाएंगे, हमें 15वां अक्षर निकालना है, ठीक है ना। तो ई जे ओ टी वाई ए जो टी, ये 5 नंबर पर आता है, ये 10, ये 15, ये 20। आप देखिए हमें 15वां अक्षर निकालना है, तो 15 4 होता है 19, 4 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, अगर ये मेरे नहीं होंगे तो हम 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ओके, क्या आएगा, पी क्यू आर एस, तो 19 नंबर मेरा एस आ जाएगा, तो यही होगा मेरा 15वां अक्षर, क्योंकि 4 अक्षर मेरे हट चुके हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटर एस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई कीजिए। इन अ स्पेशल कोडिंग लैंग्वेज, इफ द वर्ल्ड फादर इज कोडेड एज एफ वी टी आई ई एस, देन हाउ कैन सिस्टर बी कोडेड। आपके पास है केवल 20 सेकेंड, और ट्राई कीजिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए आपको बता दें, यहां पर लॉजिक चल रहा है, पहले आपको 0 स्टेप आगे बढ़ना है, फिर एक, फिर 0, फिर एक, फिर 0, फिर एक, ये लॉजिक चल रहा है आपका। इससे एफ से एफ आ गया, ए से बी आ गया, टी से टी आ गया, एच से आई आ जाएगा, ई से ई रहेगा और आर से एस आ जाएगा। तो वही आपको सिस्टम लिखना है, एस से एस आएगा, आई से आई जे, फिर एस से एस, टी से यू आ जाएगा, फिर ई से ई, आर से एस आ जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इट्स अ करेक्ट आंसर। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब डिवाइड का मतलब जो है आपका यहाँ पर दे रखा है माइनस है, और मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास रहेंगे केवल 15 सेकेंड। चलिए ट्राई कीजिए। 9 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2,
प्लस का 5 डिवाइड बाई 10 माइनस का 3, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो पहले तो डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ से, 1/2 बचेगा, 1/2 आ गया, ठीक है ना। इधर मेरा 9/4 आ जाएगा, 9/4 दो से कट जाएगा, 2×4 हो जाएगा, 9/2 बच गया। अब मैं थोड़ा सा और डायरेक्ट करता हूँ, इधर मेरा बचा 9/2 प्लस 1/2 माइनस का 3, 9 और 1 10/2 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका 2 आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास है 20 सेकेंड, चलिए ट्राई कीजिए। 6×3=18, 9×4=36, 12×5=60, 15×2=225 होता है। अरे लग गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, 15×15=225 होता है। 31 क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 7 से आ रहा है 12, 19 से आपका क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। तो देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। 32, लॉजिक क्या चल रहा है आपका, आपके पास है केवल 15 सेकंड, देखते हैं क्या आप इस लॉजिक को कैच कर पाएंगे, क्या आप ये क्वेश्चन को लगा पाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए आपको बता दें यहाँ से क्या लॉजिक है आपका। जैसे कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 में 3 जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 25 होगा, 3 जोड़ देंगे हमारा कितना हो जाएगा 25 और 3 28 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा 28। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई कीजिए। दिए गए विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। चलिए बताइए अगला स्टेप क्या होगा। आपके पास है ओनली 15 सेकेंड, लॉजिक बहुत सिंपल है, 2 2 2 स्टेप आगे बढ़ना है, ABCDEFG, तो GJO आ जाएगा बिल्कुल बिना समय गवाए। आपका सीधा जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अब आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन दे रखा है। सभी पत्थर पुरुष हैं, देखिए सभी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी यहाँ पर जानते होंगे कि सभी को जो हम लोग यहाँ से है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पुरुष से पुरुष कट जाएगा, सभी पत्थर बाघ हैं, तो सभी पत्थर बाघ हैं तो कुछ बाघ पत्थर होंगे, ये तो सही हो गया। सभी पुरुष पत्थर हैं, क्या बन सकता है पुरुष पत्थर, पुरुष पत्थर नहीं बन सकता है, पहला गलत हो गया। तो आप कह सकते हैं केवल सेकंड निष्कर्ष हमारा बिल्कुल राइट निकलता है। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 7, 10, 8, 11, 9, 12 अगला स्टेप क्या होगा। चलिए आप सभी लोग बताइए। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 आगे आता 13 आता, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो आपका यहाँ से 35 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। समझ में आ गया लॉजिक। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो कैसी लगी क्लास, आज कितने क्वेश्चन आप लोगों से सही हुए, कितने क्वेश्चन हुए गलत, तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन सही हुए कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही यूज़फुल टेस्ट सीरीज के साथ। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री थी, ये एक ट्रायल वर्जन था आप लोगों के लिए, अगर आपको पसंद आएगा और अगर इस क्लास पे 300 लाइक हो जाएंगे तो मैं आपको एक मैथ की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी, जिसमें तमाम बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो फिर मिलेंगे सर आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSE ट्रिकी क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार।